गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीडू के कंपटीशन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिग बैश लीग 2022 के 13 T20 मैच के बारे में। दोस्तों ये मैच होने वाला है ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 23 दिसंबर को इंडिया टाइम के अनुसार 1:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। मैच खेली जाएगी गाबा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं लास्ट 5 मैच में क्या क्या हुआ। टीम ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो जहां 5 के 5 मैच अपना लॉस करके आ रही है, वहीं दूसरी टीम एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें तो 5 मैच से 4 मैच विन है, 1 मैच लॉस करके आ रही है। तो गाइज यहां पर देखने को मिल रहा है एडिलेड स्ट्राइकर काफ़ी आगे चल रही है। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं लास्ट 10 मैचेज में। तो पहली टीम ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो 4 मैच जीत के आ रही है, वहीं एडिलेड स्ट्राइकर 6 मैच जीत के आ रही है। तो ये रहे दोनों टीमों के हेड टू हेड। बढ़ते हैं फ्रेंड ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज चेक करें तो ब्रिस्बेन हीट का 10% है, तो वहीं एडिलेड स्ट्राइकर का 90% है। एवरेज स्कोर की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट का 135 है, तो वहीं एडिलेड स्ट्राइकर का 162 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट का 155 है, तो वहीं एडिलेड स्ट्राइकर का 188 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट का 90 है, तो वहीं एडिलेड स्ट्राइकर का 130 है। तो ये नहीं दोनों टीमों के टीम कंपेरिजन लास्ट 10 मैचेस के। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड चलते हैं वेदर की ओर। आज के मैच वेदर कैसी रहेगी तो क्लियर रहेगी, 19.3 डिग्री सेल्सियस रहेगी। वहीं ह्यूमिडिटी की बात करें तो 73% रहेगी, वहीं 17% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड चलते हैं पिच की ओर। अब पिच पे डिस्कशन करते हैं कि इस पिच पे कैसा मैच होने वाला है। तो इस पिच का एवरेज देखें तो फर्स्ट इनिंग का 165 होगा, सेकेंड इनिंग की बात करें तो 151 बन सकती है। वहीं इस पिच पे देखें तो टोटल अभी तक 54 मैच खेले गए हैं, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की खासियत देखें तो इस पिच पे अगर जो भी टीम टॉस जीत के बॉलिंग कर रही है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है इस पिच पे। इस पिच पे अधिकतर मैच चेस हुई है। अगर इस पिच पे देखें सर पे तो यहाँ पर बॉलिंग करने वाली टीम को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, वहीं बैटिंग करने वाली टीम को कम सपोर्ट मिलेगी। यहाँ पर डिफेंड में काफ़ी कम स्कोर बन सकते हैं, वहीं अगर होने वाली टीम की बात करें तो काफ़ी इजीली वे में इस पिच पे चेस कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा पिच है, काफ़ी इसमें पिच पे काफ़ी ज़बरदस्त मैच हुई है। पिच की रिपोर्ट अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो पहली टीम ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट नो डाउट अच्छी टीम है, बट यहाँ पर ब्रिस्बेन को अपना बैटिंग और बॉलिंग दोनों सुधारने की ज़रूरत है। अगर पिछले मैच की रिकॉर्ड चेक करते हैं तो दोनों मैच अपना लॉस करके आ रही है काफ़ी बुरी तरह से। वहीं दूसरी टीम एडिलेड स्ट्राइकर की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, अपना 3 मैच खेल के आ रही है, जो काफ़ी अच्छे रन स्कोर के साथ मैच जीत के आ रही है। तो काफ़ी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप दोनों का कम्बिनेशन आपको ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो गाइज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखें तो एडिलेड स्ट्राइकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। वहीं ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम एडिलेड स्ट्राइकर खड़ी है। तो मैच काफ़ी ज़बरदस्त होगा दोनों के बीच में, तो आप लोग जोर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सपेक्टेड है कि विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं फिर दोनों टीमों की की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम ब्रिस्बेन हीट के की प्लेयर की बात करें तो सैम बिलिंग्स, कॉलिन मुनरो, मार्क स्टैटिक, एडलेड चेल नेसर। वहीं दूसरी टीम एडलेड स्ट्राइकर के की प्लेयर की बात करें तो एलेक्स कैरी, एडम होज, मैथ्यू शॉर्ट्स, राशिद खान। तो ये रहे दोनों टीमों के की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अब चलते हैं फ्रेंड्स विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए एडिलेड स्ट्राइकर हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोगों को क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वो भी आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।